जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सीक्रेट अलर्ट में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस टेम्पो की जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको क्यों कन्वर्ट किया गया है और इससे फ़ायदे क्या हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम इसका प्रोसेस देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, रिमूव द इंजन एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम हैं यहाँ पे नेपाल में और नेपाल का यहाँ पे आपको नंबर प्लेट भी दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे लोड कितना ऊपर चढ़ाई है और ये चढ़ाई पे कैसे चढ़ रहा है, बिंदास। गायब हो गया। हाँ, काफी चढ़ाई है, ये पहाड़ की चढ़ाई है। डिग्री की बात करूं तो लगभग ये 30 डिग्री का है, नियर अबाउट 30 डिग्री। और बिंदास चढ़ गया, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो टेम्पो होता है पेट्रोल डीजल या गैस का जो टेम्पो होता है उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिमूव द इंजन एंड पुट इलेक्ट्रिक किट। तो यहाँ पे हम लोग इंजन को हटाएंगे और उसकी जगह जो इलेक्ट्रिक का हमारा कन्वर्जन किट है उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। हम हैं इस वक्त नेपाल में और नेपाल में हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने टू व्हीलर का भी किया था और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो फोर व्हीलर का है। तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि ये किट है और इस पे वो सारा सामान है जो कि एक थ्री व्हीलर को पेट्रोल डीजल या गैस से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये हमारा TVS का है, TVS की। तो यहाँ पे दोस्तों ये जैसे कि नेपाल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है इसका इंजन। अब इंजन रिमूव करके हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, क्या पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट जिसमें मोटर होगी, गियर बॉक्स होगा और कंट्रोलर होगा, उसकी वायरिंग होगी, थ्रोटल्स होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने हटाया हुआ है इसका इंजन और अब लगाने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रिक किट। तो ये है गियर बॉक्स जिसे हम मोटर के साथ अटैच्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो मोटर है वो गियर्ड के थ्रू ऑपरेट होगा, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर एंड थर्ड गियर, पावर मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पे इस गियर बॉक्स का यही रोल होता है कि आप इसके थ्रू अपने व्हीकल को गियर्ड ऑपरेटेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मोटर, गियर बॉक्स, कंट्रोलर और थ्रोटल होता है। इसके अलावा इसमें कुछ वायरिंग्स होती हैं जो कि कनेक्शंस में काम आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मोटर है जो कि 3 किलोवाट की है जो हम यहाँ पे इसे पुट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 किलोवाट से ज़्यादा की है तो भी हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि हम फोर व्हीलर में 6 और 7 किलोवाट की मोटर का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम थ्री व्हीलर में 3 किलोवाट की मोटर का यूज़ करते हैं। अगर टू व्हीलर की बात की जाए तो वहाँ पे हम 1.5 किलोवाट की मोटर का यूज़ करते हैं, 1 किलोवाट की मोटर का भी यूज़ करते हैं। जैसे स्कूटी हो गई, एक्टिवा हो गया, इसमें हम 1 किलोवाट की मोटर का यूज़ करके 2% लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उससे असेंबल्ड कर देते हैं। तो ये रही हमारी मोटर जिसमें यहाँ पे इसका गियर बॉक्स फिट होने वाला है। और इसे कैसे फिट करेंगे, किस तरह से फिट करेंगे, किस तरह से ये फिट होने के बाद दिखेगी और किस तरह से ये चलेगी भी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है हमारा विथआउट इंजन थ्री व्हीलर जिसका इंजन हमने रिमूव कर दिया है और उस इंजन की जगह अब हम फिट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक किट। कैसे फिट करेंगे, किस तरह से ये काम करेगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। और A to Z जो भी इंफॉर्मेशन है इस थ्री व्हीलर को कन्वर्ट करने की वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से एक डीजल, पेट्रोल या गैस का थ्री व्हीलर टेम्पो, थ्री व्हीलर ऑटो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक में। और इसका हम लोग ट्राई भी, जैसे कि आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से हमने 30 डिग्री पे इसे चलाया और रोड भी उतनी स्मूथ नहीं है जिसपे हमने इसका ट्रायल लिया, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग ये परफेक्टली वर्क किया। जिस हिसाब से हमने जो स्पेक्ट रख के हमने इसे कन्वर्ट किया था उस स्पेक्ट पे ये खरा उतरा है। आगे भी देखेंगे कि किस तरह से हम और अदर रोड्स पे इसका ट्रायल लेते हैं। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने में आप हमारी मदद करिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये है गियर बॉक्स
जो कि गियर का काम करता है, और ये यहाँ पे जो आपको होल टाइप में दिख रहे हैं इसमें फिट होंगे उसके एक्सल्स जो कि व्हील से कनेक्टेड होते हैं। व्हील को घुमाने के लिए यहाँ पे वो लगेंगे, जैसा कि थ्री व्हीलर टेम्पो में आपने देखा होगा कि किस तरह से छोटे छोटे एक्सल लगे होते हैं दोनों साइड लेफ्ट और राइट, और वो छोटे छोटे एक्सल्स व्हील को घुमाने में मदद करते हैं, फ्रंट में जाने का हो या फिर बैक में जाने का हो, ये सारी चीज़ें इन एक्सल के थ्रू ही ऑपरेट होती हैं। ये है माउंटिंग। माउंटिंग का यूज़ जो होता है दोस्तों वो इसलिए किया जाता है ताकि जो किट है वो परफेक्टली माउंट रहे और हमारे व्हीकल को हमारी जो किट है वो मजबूती से पकड़ी रहे। जैसा कि इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पे माउंट कर लिया है, जो अपनी मोटर है, जो गियर बॉक्स है, जो एक्सेल्स हैं, वो यहाँ पे हमने माउंट करके रखा हुआ है, और उस हिसाब से हम यहाँ पे इसे भी आगे भी माउंट कम्प्लीटली माउंट करके इसका जो ऑपरेशन है वो देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इसे माउंट कर सकते हैं और किस तरह से हम माउंटिंग इसमें प्रोवाइड कराते हैं, जो माउंटिंग गियर्स होते हैं यहाँ पे माउंटिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन टूल्स को कैसे कनेक्ट करके हम यहाँ पे एक असेंबली, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की असेंबली हो रही है, पेट्रोल डीजल या कोई और व्हीकल है हमारे पास गैस का है, तो उसे किस तरह से हम यहाँ असेंबली करते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे कि कई तरह के मार्केट में कई तरह के टेम्पो हैं, या फिर जैसे नेपाल के जो टेम्पो हैं और इंडिया के जो टेम्पो हैं उनमें थोड़ा सा इंजन की जो पोजीशन है ना वो थोड़ी सी चेंज है, इंजन के जो माउंटिंग की पोजीशन है वो भी थोड़ी सी चेंज है, उसके लिए हमें थोड़ा सा काटना पड़ता है और वेल्डिंग मारनी पड़ती है जिससे हम माउंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रिक का, जितना भी हम इलेक्ट्रिक के यहाँ पे पार्ट्स, मोटर कंट्रोलर, थ्रोटल, वायरिंग और जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होती हैं, जो कि गैस, पेट्रोल या डीजल के, डीजल वाले टेम्पो या व्हीकल को कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर माउंट कर दिया है, फिट कर दिया है और बैटरी भी लगा दी है। अब हम यहाँ पर करेंगे टेस्ट, क्या हमारा बनाया हुआ व्हीकल सक्सेस है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोस्तों कन्वर्ट होने के बाद ये चल रहा है। तो हम इसकी मल्टीपल रोड्स पे, मल्टीपल फ्लाईओवर्स पे, मल्टीपल जो हमारे पास रहेगा जो एंगल है, जो डिग्रीज है, उस पे हम यहाँ पे इसे टेस्ट करने वाले हैं। तो शुरुआती दौर में हम इसे टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने फिट किया है उसके बाहर जो प्लेन रोड है उस पे, क्या ये चल पा रही है। बिल्कुल ये परफेक्टली जिस हिसाब से हमने सोचा था उसी हिसाब से ये बिल्कुल चल रही है। इसके बाद हम इसका टेस्ट करने वाले हैं फ्लाईओवर पे, और उसके बाद हम इसका टेस्ट करने वाले हैं जो 30 डिग्री पे हमारा जो मेन टारगेट है 30 डिग्री। जैसे कि नेपाल की रोड बराबर नहीं है, कहीं ऊंचा, कहीं खाली, कहीं पहाड़, कहीं झाड़ियाँ, तो इस तरह की रोड पे हम इसे कैसे चला सकते हैं, ये चीज़ें भी हम टेस्ट करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कम्प्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमने यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया है। कुछ वेल्डिंग का काम लगा, कुछ काटने का काम लगा, कुछ इसी तरह से एडजस्टमेंट करके हमने यहाँ पे अपना जो कंप्लीट किट है, इलेक्ट्रिक कंप्लीट किट, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन की जो कंप्लीट किट थी वो हमने फिट कर दी है। अब हम इसे वोल्ट मीटर लगा के ये चेक करेंगे कि हमारी जो बैटरी है वो मिनिमम कितने पे कट ऑफ हो रही है। जैसे कि 60 वोल्ट की बैटरी है तो वो कट ऑफ होनी चाहिए 51 और 52 वोल्ट के बीच में, और हम यहाँ पे 60 वोल्ट अभी हमारी चार्ज है जो बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है। लीड एसिड बैटरी पे अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लीड एसिड बैटरी की जगह लिथियम बैटरी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा टॉर्क बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, माइलेज बढ़ जाता है, और जो हमारे व्हीकल की जो परफॉर्मेंस है वो लोड होने की वजह से, जैसा कि एक लीड एसिड बैटरी का जो वेट होता है वो 38 kg होता है, और अगर हम उस लोड, मतलब एक बैटरी का मैंने बताया, और 60 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पे 5 बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, अगर 38 को 5 में इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगभग 180 kg का वेट, ये एक्स्ट्रा वेट होता है। और इसकी जगह हम, मतलब सेम कैपेसिटी की बैटरी अगर हम लिथियम बैटरी की यूज़ करें तो वेट हमारा वहाँ पे 35 और 40 kg हो जाता है टोटल बैटरी का, टोटल लिथियम बैटरी वर्सेज लीड एसिड बैटरी। तो जितने लीड एसिड बैटरी की एक बैटरी का वेट है उतने पे हमें लिथियम बैटरी का टोटल वेट मिल जाएगा, और परफॉर्मेंस उतनी मिलेगी जितनी 5 बैटरी लीड एसिड बैटरी हमें यहाँ पे देती थी। तो लीड एसिड और लिथियम बैटरी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों बैटरी अलग अलग सेगमेंट, और कभी कभी एक सेगमेंट में भी हम यूज़ करते हैं, पर परफॉर्मेंस और वेट दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आता है। लिथियम बैटरी जल्दी चार्ज होती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा लंबे समय तक देती है, लीड एसिड बैटरी देर में चार्ज होती है और परफॉर्मेंस कम देती है, वेट भी इसका ज़्यादा होता है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी लंबा टेस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें कि किस तरह की रोड पे हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो रोड है जो मेन रोड से कनेक्टेड होती है नॉर्मल रोड, ये थोड़ा सा फ्लाई ओवर है, मतलब ब्रिज है, नदी गई है, वहाँ का ये रोड है और ये थोड़ी सी चढ़ाई है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी चढ़ाई है, लगभग डिग्री की अगर बात करें तो लगभग 18 डिग्री की ये चढ़ाई है। तो ये इसके देखिए नॉर्मल तरीके से चढ़ रही है, नेपाली में बात करना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सबसे खास चीज़ यही है इस गाड़ी की कि यहाँ पे आप इसे किसी भी तरीके की रोड पे इजीली यूज़ कर सकते हैं इजीली। और इस टेम्पो को लेकर हम चल पड़े हैं नेपाल की गलियों में, रोडों में, और जहाँ पे लोग इसे देख रहे हैं अचंभित हो रहे हैं कि इंजन कहाँ है, जबकि पीछे से इस पर कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो एक खास अट्रैक्शन है लोगों के लिए, लोग यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तो लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में, या फिर जैसा कि नेपाल में फ्यूल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी फ्यूल का प्राइस दिन ब दिन बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पे एक ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं और ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। हमने नेपाल में काफ़ी सारे जो व्हीकल हैं वो कन्वर्ट करने का हमारा जो प्लान है, पहला प्लान हमारा सक्सेस हो गया। इसके बाद हमने सबसे पहले जब नेपाल में कदम रखा था तो टू व्हीलर को कन्वर्ट करने के लिए रखा था, दूसरा जो हमारा कदम था वो थ्री व्हीलर था, और नेक्स्ट जो हमारा विजिट है वो फोर व्हीलर को कन्वर्ट करने का है। तो गाइस इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम कर रहे हैं। ट्रस्टेड लोगों का जो हमारा जो मेन मकसद है हिंदुस्तान में हो या फिर हमारा नेपाल में, या जैसे कि अभी हमारा विजिट होने वाला है श्रीलंका में, तो यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो लोगों का ट्रस्ट अर्जित करना है। जब तक हम लोगों को ट्रस्टेड साबित नहीं हो जाते तब तक हमारा जो मेन मोटो है वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों के भरोसे के साथ चलना ये एक जो कंपनी होती है या फिर जैसे हम लोग जिस हिसाब से काम करते हैं वो काफ़ी मायने रखती है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, किट बेच के भी, फिटिंग करके भी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर फिटिंग की जो सर्विस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसी से लोगों में आपके प्रति भरोसा जागता है। तो उसी भरोसे को जगाने के लिए हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए एक भाई की वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो भैया इसको आप चेंज करवाएं जो इलेक्ट्रिक वाला, तो ये किस वजह से चेंज करवाए हैं या क्या इसमें समस्या आ रही थी आपको, इससे चेंज करवाने से फ़ायदा क्या है? चेंज करवाने से फायदा नेपाली है ना, नेपाली में, रुको रुको, यो चेंज कर किन गरे हो भने नि के रे, अब पेट्रोल का पेट्रोल धेरै महँगो भयो अनि मान्छे चढेन भाडा धेर भयो भनेर हैन, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो अब पेट्रोल दाम गर्दाखेरि निकै पैसा लाग्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामी यो लगाएको छौँ। अब यो चार्ज गर्दाखेरि त्यही 50 रुपियाँले चार्ज हुन्छ, 120 किलोमिटर कुद्छ, 120 किलोमिटर कुद्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई निकै पोसाउँछ, भाडा पनि सस्तो हुन्छ। सो दोस्तों हम यहाँ पे नेपाल में जहाँ पे फिट कर रहे थे उस दुकान का मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये कनकई ट्रेडर्स के नाम से है और ये कटक में है जहाँ पे हमने ये फिटिंग की थी। और इन्हीं के थ्रू हमारा प्लान है कि आगे भी हम बहुत सारी व्हीकल फिट करें, क्योंकि इनके पास लगभग 20+ ऑटो हैं जिन्हें हमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा इनके पास और भी कई सारे लोग हैं जिनका हमें फिट करना है। दोस्तों इसमें मैंने गियर का नहीं बताया था, तो यहाँ पे गियर भी है जिसका हम यूज़ करके गियर को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब एक नंबर का गियर, दो नंबर का गियर और बैक गियर। और इसके अलावा इन गियर पर भी गियर ऑपरेट होता है कैसे, की के थ्रू, बटन के थ्रू। वो कैसे होता है, तो वहाँ पे हैंडल में, जो राइट हैंड में हमारे पास की बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए न्यूट्रल, डाउन और रिवर्स, ठीक है, ये यहाँ पे काम करते हैं आगे पीछे और रुकने के लिए। दूसरा कि यहाँ पे हर गियर पे मोड काम करते हैं, 1, 2 और 3, तो इस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस, इसका जो टॉर्क है वो भी बढ़ाया जा सकता है, इसकी जो पिकअप है वो भी बढ़ाया जा सकता है। एक्सीलेटर सेम एज नॉर्मल व्हीकल के जैसा होता है, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यूज होता है। तो गियर से मेरा ताल्लुक यही था कि दोस्तों यहाँ पे हम गियर से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, धीरे तेज और तेज इसे चलाया जा सकता है। तो बाकी चीजें दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रोड पे हमने इसे कैसे ट्राई किया।
नॉर्मल जो रोड होती है वहाँ पे इसे हमने टेस्ट किया और हमारा जो टेस्ट था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, क्योंकि जिस कस्टमर को हमने ये सेटिस्फेक्शन दिया वो नॉर्मल रोड पे, प्लेन रोड पे, और जो ईंटे वाली रोड होती है उस पे, कच्ची रोड पे, पत्थर वाली रोड पे, और जो चढ़ाई थी वो फ्लाई ओवर की चढ़ाई, और तो 30 डिग्री जो मैक्सिमम हमने चढ़ाया था अभी तक, जो हमें रोड मिली 30 डिग्री पर जो एक पहाड़ पे थी, वहाँ पे भी हमने इसे चढ़ाकर टेस्ट किया हुआ है। तो इन सारे हिसाब से ये व्हीकल हमारे जो मापदंड थे उन पर ये खरा उतरा है, और इस हिसाब से हमें नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो लगभग पूरे नेपाल में 1000 लगभग 1000 टेम्पुओं को कन्वर्ट करने का टारगेट है। इसके अलावा हम लोग फोर व्हीलर को भी कन्वर्ट करने का प्लान बना रहे हैं, और मोस्टली हमने सारा प्लान कर लिया हुआ है, सिर्फ हमें वहाँ जाके किट फिट करनी है और टेस्ट करनी है कि किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से हम इसे फिट करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्री व्हीलर को कन्वर्ट करने का। इसमें ऑटो आ जाता है, डीजल वाला, पेट्रोल वाला और गैस वाला, तीनों टाइप के ऑटो को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल में। यहाँ पे हाइब्रिड नहीं बनेगा, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में। ये देखिए जो 30 डिग्री की मैं बात कर रहा था वो यही है, ये इसकी ढलान है। वीडियो की शुरुआत में मैंने उसकी चढ़ाई के बारे में आपको दिखाया था। अब दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो ये है, ये फोर व्हीलर, इन फोर व्हीलर को कन्वर्ट करने का हमारा जो नेक्स्ट विजिट है नेपाल का वो है। अगर आप इन किसी भी चीज़ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।